नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश इनसे मिलिए में। आज मैं चूंकि मैदान में हूं, फील्ड में, और तमाम जो है प्रत्याशी, घोषित अघोषित जो भी प्रत्याशी हैं, चुनावी कैंपेन में जो शासन की, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी गहमा गहमी अपने चरम पर। हालांकि बहुत ठंड का मौसम है, ठंडी बिल्कुल खून जमा देने वाली है, लेकिन विधानसभा चुनाव चरम पर है, इसकी गर्मी बहुत तेज से है, एकदम पूरी तरह गर्माहट में है। तो आज हमारे जो इस खास पेशकश में, इस कड़ी में 306 विधानसभा डुमरियागंज से हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी राम कुमार उप चिंकू यादव जी। तो हम इनसे जानेंगे कि इस चुनाव में इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और इनके चुनाव के बाद अगर ये सत्ता में आते हैं तो इनका विकास का मॉडल क्या होगा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आप चुनाव मैदान में हैं, तो अभी तो आप घोषित प्रत्याशी हैं? नहीं, अभी घोषित प्रत्याशी नहीं है, लेकिन हम दो बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में भी मामूली मतों से चुनाव हारे थे, और 2017 में भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पे भरोसा है कि फिर वो हम ही पे दांव लगाएंगे, और हम जनता के बीच में लगातार 5 वर्षों से जनता के हर सुख दुख में खड़ा होने का काम किए हैं, जनता के साथ मिल करके इस सरकार के खिलाफ और खासकर यहाँ के विधायक राघविंदर प्रताप सिंह के खिलाफ हमेशा हमने लड़ने का काम किया है, चाहे वो तहसील हो तो घेरना पड़ा हो, चाहे वो थाने को घेरना पड़ा हो, चाहे वो ब्लॉक को घेरना पड़ा हो, जहाँ भी इनका अत्याचार बढ़ा है वहाँ हम लड़ने का काम किया। अच्छा, जैसे कि हाँ, मैंने इस मामला बीच में भी आया था कि इस विधानसभा में खासकर आपका डुमरियागंज विधानसभा जो है, चूँकि यहाँ जातीय समीकरण देखा जाए तो बड़ा मिला जुला है, और अगर कोई भी मतलब एकजुटता होती है तो पूरे चुनाव परिणामों को बदल के रख देता है। तो इसलिए यहाँ कुछ देखा गया है कि यहाँ कुछ बैलगाड़ी भी, मतलब कुछ जैसे उल जलूल बातें भी पार्टी के प्रत्याशियों के तरफ से आया है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उल जलूल बातें भाजपा और भाजपा के लोगों का, ये उनका कहना, वो हमेशा नफरत की बात करते हैं। हम और हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा जोड़ने का बात करती है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की बात करती है। अब ये हिंदू मुसलमान की बात हमेशा करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से, और RSS के लोगों से, आप कह रहे हो कि ये हिंदू की सरकार है, हिंदू की सरकार कब कैसे मानी जाए? हिंदू की सरकार क्योंकि ये हिंदू की सरकार है, हिंदू की सरकार कब कैसे मानी जाए? हिंदू की सरकार है। आज डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, कड़ू का तेल हो, या जीवन में जितनी काम आने वाली चीज है, सबकी महंगाई 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। बिजली का बिल आप देख लीजिए, 4 गुना ज्यादा नहीं, 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये कैसे हिंदू की सरकार है भाई? ये केवल कहने के लिए हिंदू की सरकार है। हाँ, मैं मानता, हमारे साथी यहाँ शाही साहब बैठे हैं, मैं मानता कि ये हिंदू की सरकार है कि जब शाही साहब का डीजल 500 रुपया लीटर कर देते और चिंकू यादव का जितने पे था उतने पे छोड़ देते, तो मैं मानता ये हिंदू की सरकार है। ये ना हिंदू की सरकार है और ना ये मुसलमान की सरकार है, ये सरकार केवल और केवल देश के चंद उद्योगपतियों की सरकार है। अब की बार आप देखिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ विधानसभा डुमरियागंज में भी हिंदू और मुसलमान भाइयों ने पूरा का पूरा मन बना लिया है, और अब की बार यहाँ भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, भाजपा के प्रत्याशी का पता नहीं लगेगा कि वो किस स्थान पे हैं। ये अब की बार डुमरियागंज के लोगों ने, हिंदू मुसलमान भाइयों ने मिल करके मन बनाया। अच्छा, तमाम जो है चुनाव आयोग ने तमाम पाबंदियां लगा दी हैं चुनाव प्रचार पर, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे आप अपने चुनाव कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, पाबंदियां तो ये डर की वजह से लगाए हैं, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जिस गली से, जिस कूचे से, जिस रोड से गुजरते हैं, वहाँ लाखों लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। इनके मुख्यमंत्री जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ कुर्सियाँ खाली रहती हैं, और हमारे लोग तो 4 बजे रात को, आपने देखा होगा जब वो लौट रहे थे गाजीपुर से, तो आपने देखा होगा पूरे हाईवे पे रात रात भर लाखों लाखों की संख्या में लोग खड़ा होकर के अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी का इस्तकबाल किए, उनका स्वागत किए, और उसी ताकत को देखते हुए भाजपा के लोग डर गए, इसलिए ये पाबंदियां लगाई गई है।
तो आप आखिर इस चुनावी समर को कैसे, आप इसके लक्ष्य को कैसे भेद पाएंगे, क्या आपकी रणनीति होगी? हमारे जो साथी हैं, हमने पहले भी कह दिया कि अब की बार हमारा हिंदू भी साथी, हमारा मुसलमान भी साथी, ये सब लोग मिल करके अपने गांव में घर घर डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और भाजपा की जो नीति है चंद उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए, उस नीति को, इनके महंगाई को, इनके जुमले को हम लोग उजागर कर रहे हैं। आपने अभी हमारे नेता का स्टेटमेंट सुना होगा, हमारे नेता ने कहा कि बिजली 300 यूनिट फ्री। अब की बार अगर हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो पिछली बार हमने कि बिजली 300 यूनिट फ्री अब की बार अगर हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो पिछली बार हमने 500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देने का काम किया था अपनी माओं और बुजुर्गों को, अब की बार हम 1500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार सोचती है, हमारी सरकार गरीबों के बारे में सोचती है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी अमीरों के बारे में सोचती है। इसलिए कैंपेन की कोई चिंता नहीं है, ये इतने साथी यहाँ खड़े हैं, सब लोग कंपनी ही कर रहे हैं, वोट ही मांग रहे हैं, इनका जो जुमला है उसको उजागर कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने फ्री बिजली की बात करी, तो फ्री बिजली की बात करी तो इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि आपकी पार्टी उनकी नकल कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बताइए आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में है क्या? अगर कुछ हो तो बताएं आप। आम आदमी पार्टी हमारे नेता का नकल की है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी शुरू से ही कहे कि हमारी सरकार जैसे गई ये 5 गुना ज्यादा बिजली का बिल बढ़ाए हैं, बिना पूछे जो कनेक्शन धारक है घर आपका है, और बिना पूछे सरकार ने 2 किलोवाट करने का काम कर दिया। इसीलिए हमारे नेता को ये दर्द महसूस हुआ कि गरीब जो हैं वो 20,000, 25,000, 50,000 बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनको लाइट भी चाहिए। तो जैसे ही सरकार बनी तैसे उस बिल को माफ कर दिया जाएगा, और जब तक उत्तर प्रदेश में सरकार रहेगी समाजवादी पार्टी की, तब तक किसी से बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा, सिंचाई का पैसा नहीं लिया जाएगा, अगर ट्यूबवेल सरकारी चल रहा उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे वर्तमान प्रदेश सरकार कहती है, और हम केंद्र की बात नहीं करेंगे, वर्तमान प्रदेश सरकार कहती है कि विकास की गंगा बहाई गई है, चारों तरफ विकास हुआ है, फर्स्ट क्लास हुआ है, बढ़िया हुआ है, और कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है, तो अगर सारी व्यवस्थाएं ठीक है तो समाजवादी पार्टी क्यों? देखिए, इनका विकास, आप आए होंगे रास्ता देख लीजिए, इनका विकास यही बोलता है। आपको देखें, आप खुद स्वयं देखे होंगे कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में है, आपको पता नहीं चलेगा, इनका विकास यही है। हाँ, इनके विकास हुआ, इनके लोगों का विकास हुआ। विकास कैसे हुआ? विधायक डुमरियागंज राघवेंद्र प्रताप सिंह एक टूटी कमांडर से गोरखपुर से चल के आए थे, आज देख लीजिए आप, उनके पास दर्जनों लग्जरी गाड़ियां, चाहे वो फॉर्चूनर हो, चाहे इंडिवर हो, स्कॉर्पियो हो, सफारी हो, कोई ऐसी गाड़ी नहीं बची है। कहाँ आप जाइए कि देखिए, यहाँ बड़े बड़े स्कूल बनवा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से लाए? वो मकान बनाए डुमरियागंज में, वो पैसा कहाँ से आया? डुमरियागंज में तमाम जमीनें उन्होंने कब्जा करवाई, अपने नाम से, अपने सहयोगियों के नाम से बैनामा जबरदस्ती करवा लिया, वो पैसा कहाँ से आया? यही विकास इनका है। विकास इन्होंने अगर किया है तो आप डुमरियागंज में घूम घूम करके देख लीजिए, केवल और केवल गेट का विकास किया है। गेट क्यों बनवाने का काम किया? क्योंकि गेट में मोटा रकम मिल रहा है विधायक को, 1.5-2 लाख में गेट बन जा रहा है, और 8-10 लाख रुपया इनके पेट में चला जा रहा है। तो इन्होंने केवल और केवल अपना विकास किया और गेट बनवाया, बाकी डुमरियागंज में कोई विकास नहीं किया है। हमारी सरकार थी, हमारी पत्नी यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष थी, आप इतने लोग खड़े हैं, कोई गांव में आप चले जाइए, एक सिंगल पुरवा आप नहीं पाएंगे जहाँ हम अपनी सरकार में, और जब मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, हर गांव में हमने विकास को करने का काम किया है, चाहे वो सीसी रोड रहा हो, चाहे इंटरलॉकिंग रहा हो, चाहे वो पिच रोड रहा हो, हर जगह हमने विकास करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कोई ऐसा नहीं था, वो सीधे गरीबों के पास योजना पहुंचती थी, चाहे वो 108 रहा हो, चाहे 102 रहा हो, चाहे 100 नंबर रहा हो, चाहे पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां रहा हो, चाहे कन्या विद्या धन रहा हो, चाहे लैपटॉप रहा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता रहा हो, ये हमारी सरकार सीधे गरीबों को फायदा पहुंचाने का काम करती थी। और जब से योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की, हर योजना को इन्होंने बंद करने का काम किया है, और केवल हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करने का काम किया है। लेकिन मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश से लेकर के डुमरियागंज की जनता पे,
कि अब की बार हिंदू मुसलमान इनका काम नहीं आएगा। हिंदू ने भी मन बना लिया है और मुसलमान ने भी मन बना लिया है। आप देखिएगा 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अच्छा एक चीज बताइए कि जैसे कि आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो होते हैं, जाहिर सी बात है प्रदेश लेवल का, कि प्रदेश में क्या क्या वो योजनाएं लाएंगे और कैसे कैसे उसको क्रियान्वयन करेंगे, लेकिन आप क्षेत्र में जमीन पर उतर कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो यहाँ क्षेत्र के कुछ लोकल इश्यूज होंगे जो पब्लिक से रिलेट करते हैं आपके, विशेषकर इस विधानसभा के, वो उसको आप क्या कैसे देख पा रहे, कौन सा मुख्य मुद्दा होगा जो आप जिस पर आपका फोकस है? देखिए हमारा तो मुख्य मुद्दा है विकास, हमारा तो मुख्य मुद्दा है विकास, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ मौजूदा विधायक ने अत्याचार किया है, लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डलवाया है, हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य जमाल उत्पुत्तन साहब बैठे हैं, ये घर पे भी नहीं थे, इनके खिलाफ थाने में तहरीर पड़ गई और मुकदमा लिख दिया गया, 308 का मुकदमा लिख दिया गया और तमाम धाराएं इन पे लगाई गई, इनको जबरदस्ती जेल, ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों नौजवान पे यहाँ के विधायक ने मुकदमा फर्जी लगवाने का काम किया है, हजारों लोगों का जमीन कब्जा करवाने का काम किया है। हम विकास हमारा मेन मुद्दा है और उसके साथ साथ इनके अपने जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस विधायक के अत्याचार को खत्म करने का काम भी मैं करूंगा और यहाँ फिर डुमरिया जनार्दन के आशीर्वाद से इस विधायक के अत्याचार को खत्म करने का काम भी मैं करूंगा और यहाँ फिर डुमरियागंज में अमन चैन होगा, खुशहाली आएगी, हिंदू मुसलमान मिल करके फिर जिस तरीके से ईद और दीपावली के दिन गले मिलते हैं उसी तरीके से 10 मार्च के बाद फिर यहाँ हिंदू मुसलमान ईद मनाएगा और दीपावली भी मनाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी से डुमरियागंज विधानसभा से चिंकू यादव जी थे, राम कुमार उर्फ चिंकू यादव, और आपने अपनी बात रखी और आपने बताया कि आपकी चुनाव की स्ट्रेटजी क्या होगी और विकास का मॉडल क्या होगा और किन मुद्दों पर विशेषकर ये फोकस करेंगे। तो आपने अभी आपको सुना और आज के लिए इतना ही इस कड़ी में, फिर अगली कड़ी में किसी और नेता को उनकी स्ट्रेटजी को आपसे शेयर करवाते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।